हेलो दोस्तों, वेलकम यू अगेन। दोस्तों आज 3 जून है, 3 जून 2019 सोमवार है। दोस्तों मार्केट अभी नहीं खुली है, अभी 8:17 हुए हैं। तो दोस्तों मार्केट खुलने से पहले ही हमें किन शेयरों में काम करना है उनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है और एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि मार्केट में पैसा बनना आसान नहीं है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं, एक अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं, तो आप आसानी से मार्केट में पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि हम पैसा कैसे बना सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं और किस प्रकार स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। दोस्तों पहले भी मैं वीडियो इस स्ट्रेटेजी पे बना चुका हूँ दोस्तों, लेकिन आज लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ जो थोड़े बहुत पॉइंट और ऐड किए हैं वो भी आप इस वीडियो में कुछ नया सीख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इस चैनल पे सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है कि हमने दोस्तों ये कुछ स्टॉक हैं वो ऐड कर लिए हैं। ये ऐड कैसे किए हैं दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने हमारा जो गेन कैलकुलेटर है दोस्तों, इसमें शीट है ये मैंने डाल रखी है और तकरीबन इसमें 10 शीट के आसपास हैं दोस्तों। जो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये शीट है ये देखिए। वैसे ये फ्री है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मिलेगी, ठीक है। ये मैंने डाल रखी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी भी कोई भाई है, वो शीट है, वो इस शीट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या है कि हमने फिल्टर का यूज़ करके जितने भी सेल के शेयर थे वो हमने डाल लिए हैं। सेल में हमने 2-3 स्टॉक ही डाले हैं, जैसे IGL, ठीक है, ये 336 रुपये का शेयर है। NIT टेक, ये भी एक बड़ा शेयर है और तो इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है, वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है। और बाकी हमने अभी छोड़ दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा जैसे NCC है खुलेगा 97 से नीचे, तोड़ के ऊपर 1900 रुपये 20% का चेंज था, तो ये तोड़ के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 ही शेयर लिए हैं यहाँ से। और जो पिछले दिन, ये दोस्तों हम जो शेयर ले रहे हैं या ये पिछले दिन का ले रहे हैं, पिछले दिन जिन्होंने मतलब मई के जो हमारा 31 तारीख को जो हाई या लो बनाया था, ठीक है दोस्तों, तो हमने बाय में जो उस दिन बाय के स्टॉक थे इसमें हमने PC ज्वेलर को छोड़ दिया है दोस्तों। अपोलो हॉस्पिटल, गोदरेज इंडस्ट्री, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, मैरिको और पेज इंडस्ट्री, ये हमने ले लिए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं क्या है कि सबसे पहले IGL का हमारा चार्ट लगा हुआ है, इसमें सबसे पहले ओपन इक्वल टू हाई था, जो ये 9:15 पे जो ओपन था वही हमारा उस दिन का हाई था और ये लाइन लगा लिया दोस्तों। ऐसे ही मैं सब पे लाइन लगा लूँगा और ये ऑफलाइन करूँगा मैं, ताकि टाइम है वो बच जाए। तो एक बार सब पे ये निशान लगा के और जब मार्केट खुलेगी तब हम दोबारा वीडियो चालू करेंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, मार्केट है वो खुल चुकी है, 9:15 हो चुके हैं, मार्केट खुल गई है और हम जो अपना टाइम फ्रेम है अब उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं,
मैंने जैसे 3 मिनट का कर दिया है, थोड़ी देर देखते हैं कि हमारे जो स्टॉक हैं वो क्या कोई सिग्नल आता है, जनरेट होता है या नहीं। NIT टेक है वो तो वापस खुला, उसके बाद टूट रहा है, देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, वो बढ़ रहा है। हैवल्स, हैवल्स गिर रहा है, ठीक है जी। हैवल्स को आप इस लेवल पे बेच भी सकते हैं, ये अच्छा, क्योंकि जो ये ऊपर बनाया है इसने, ठीक है, यहाँ पे दबाव दिखाई दे रहा है। ये कैंडल है वो रेड के साथ खुली है, स्टोकेस्टिक है वहाँ पे भी क्रॉस होके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम अपना जो हमारी स्ट्रेटजी है उसी की तरफ ध्यान देंगे, हैवल्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे। पहले हम स्ट्रेटजी को ही देखेंगे कि स्ट्रेटजी हमारी, जो हमने स्ट्रेटजी यूज़ कर रखी है वो काम करेगी या नहीं, कोई सिग्नल जनरेट होगा या नहीं, तो उसका देखेंगे। IGL है दोस्तों, IGL का अगर 332 रुपये तोड़ेगा तो ये और नीचे जा सकता है, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो लाइन लगा रखी है वो हमने ये वाली लगा रखी है, जब हमारा 338 रुपये टूटेगा तो हमने बाय करना है, लेकिन ये भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। देखते हैं दोस्तों कि कोई क्या कोई ट्रेड आएगा या नहीं आएगा। फ्रेंड्स अभी 9:42 हुए हैं और ये हमारा एक ट्रेड IGL का ट्रेड आ गया है, 308 रुपये 20 पैसे के आसपास हमने खरीदा है और अभी रेट चल रहा है 338 रुपये 65 पैसे। जो हमने स्टॉप लॉस लगाया दोस्तों वो लगाया है 336 रुपये 60 पैसे का, ठीक है दोस्तों। और टारगेट देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ये अभी पिवोट पॉइंट है जो इसका, इसके आसपास ही घूम रहा है, तो देखते हैं ऊपर कहाँ तक जाता है। अभी दोस्तों 9:44 हो चुके हैं और हम IGL है 340 रुपये के करीब हो गया है। मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ इसका 344 रुपये 50 पैसे का लेके चल रहा हूँ, 344 रुपये 50 पैसे पर हम इसमें से निकल जाएंगे। अगर 345 रुपये तोड़ता है तो ये और ऊपर तक जा सकता है, लेकिन मैं टारगेट 344 रुपये 50 पैसे का लेके चल रहा हूँ, तो देखते हैं दोस्तों टारगेट अचीव होगा या नहीं। फ्रेंड्स अभी 9:57 हो चुके हैं और अभी 344 रुपये 65 पैसे पे IGL चल रहा है और इसने हाई बनाया लगाया अभी 345 रुपये 50 पैसे का, ठीक है। हमने अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है दोस्तों, और आप देख रहे हैं कि अभी ये और भी बढ़ रहा है, लेकिन हमने अभी अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। तो आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार हमने IGL में ट्रेड लिया और अच्छे खासे पैसे बनाए। अभी और ट्रेड हैं वो, क्योंकि मार्केट ऊपर है तो और कोई ट्रेड है अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि NIT में कोई ट्रेड बने, लेकिन अभी के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, स्ट्रेटजी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।